दोस्तों कल का दिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा दुखमय रहा, क्योंकि कर्नाटक के मंत्री उमेश कट्टी का निधन हो गया। अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। वह 61 साल के थे। वह राज्य के अंदर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के अलावा वन मंत्री भी थे। कट्टी के परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी है। वहीं सूत्रों से खबर मिली कि कट्टी डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास में गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि जब वे अस्पताल लेकर आए थे तो उनकी नब्ज रुक गई थी, जिसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। भाजपा के मुताबिक कट्टी का निधन पार्टी के लिए बहुत बड़ा सदमा है और बेलगावी जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। वहीं सीएम बोम्बई ने भी ट्वीट किया कि मेरे घनिष्ठ सहयोगी श्री उमेश कट्टी वन मंत्री जी के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके निधन से राज्य ने एक कुशल राजनयिक, सक्रिय नेता और निष्ठावान लोक सेवक खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे में आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद।